या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए नव दुर्गा नव रूप भवानी माँ की। भक्तों, आप सभी को माँ दुर्गा के पावन नवरात्रों की हार्दिक बधाई हो। भक्तों, इस घनघोर कलयुग में अपने भक्तों के पाप ताप संताप नष्ट करने को 9 दिनों के लिए माँ 9 अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों के घर पधारती हैं और कलयुग में उनको संतापों से दूर करती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों का आराधन कर भक्तों को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो भक्तों, आज मैं आपको माँ के इन पावन 9 रूपों की संगीतमय कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात होगा कि माँ ने कब कब और क्यों क्यों 9 रूप धारण किए और अपने भक्तों के कष्ट मिटाए। तो आइए सुनते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की पावन कथा। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए नव दुर्गा नव रूप भवानी माँ की। नव दुर्गा नव रूप भवानी, नव दुर्गा नव रूप भवानी, कैसे नौ नौ रूप धरा। आ भक्तों, वेदों की ये पावन गाथा तुमको सुना, प्रथम रूप है शैल पुत्री का, प्रथम स्वरूप है नव दुर्गा का। भक्तों, माँ के प्रथम स्वरूप का नाम है माँ शैलपुत्री। इनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है भक्तों, इसीलिए इन्हें वृष रूढ़ा माँ भी कहा जाता है। इनके हाथ में त्रिशूल है तथा एक हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी पूर्व जन्म में देवी सती थी और शिव की अर्धांगिनी थी। इस जन्म में भी भगवान शिव की घनघोर तपस्या कर माँ ने उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया। तो आइए पहले रूप शैल पुत्री की आराधना करते हैं और माँ की संग संग भगवान शिव की भी कृपा को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए मैया शैल पुत्री की। प्रथम रूप है शैल पुत्री का, प्रथम स्वरूप है नव दुर्गा का। शिव पाने को तप था कीन्हा, पति रूप में शिव पाली ना। शैल पुत्री के चरणों में हम आ भक्तों शीश नवाए, पावन गाथा तुमको सुना। ब्रह्मचारिणी रूप है दूजा, दूजे दिन हो इनकी पूजा। भक्तों, महा दुर्गा के दूजे पावन स्वरूप का नाम है माँ ब्रह्मचारिणी। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में समर्पित करते हैं।
ब्रह्म का अर्थ होता है तप और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। माँ ने अपने इस स्वरूप में भगवान शिव को पति रूप में पाने हेतु अत्यंत दुष्कर तप किया था, इसीलिए माँ के इस स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। कई सौ वर्ष माँ ने अन्न जल त्याग कर भगवान शिव की आराधना की। उनके इस घनघोर तप को देखकर तीनों लोग उनकी जय जयकार करते थे। माँ अपने पावन हाथों में अक्षमाला और कमंडल धारण करती है। इनके आराधन से, इनके साथ साथ भगवान भोले शंकर की भी कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी का तप करते हैं। बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की। ब्रह्मचारिणी रूप है दूजा, दूजे दिन हो इनकी पूजा। भारी तप से शिव को पाया, देवों ने जयकारा लगाया। अक्षमाला और तप कमंडल माँ अपने हाथों में सजाए। पावन गाथा तुमको सुना, पावन गाथा तुमको सुना। चंद्र घंटा है तीज शक्ति, आओ करें हम माँ की भक्ति। भक्तों, नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। इस दिन इनके विग्रह का विशेष पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित होता है। इनकी कृपा से साधकों को अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। इनके शरीर की आभा 100 सूर्यों के समान तेजस्विनी होती है। मैया के इस स्वरूप के 10 हाथ होते हैं भक्तों, जिनमें माँ अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण करती है, जैसे शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, तलवार इत्यादि। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र स्थित है और ये अपनी घंटे जैसी ध्वनि से असुरों का विनाश करती हैं। तो आइए मेरे साथ सच्ची श्रद्धा से बोलिए, बोलिए मैया चंद्र घंटा की। चंद्र घंटा है तीज शक्ति, आओ करें हम माँ की भक्ति। अर्ध चंद्रमा शीश पे धरती, घंटा जैसी ध्वनि माँ करती। घंटा ध्वनि सुन कर के भक्तों असुरों के दल डर डर जाए। पावन गाथा तुमको सुना, पावन कुष्मांडा के रूप को धारे, रूप चतुर्थ ने भक्त उबारे। नवरात्रि पूजन के चौथे दिवस मैया कुष्मांडा के स्वरूप की उपासना की जाती है भक्तों। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है। माँ ने अपनी मंद हल्की हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी भक्तों, इसीलिए माँ को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ अपने 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, कलश तथा चक्र इत्यादि धारण करती है। माँ कुष्मांडा के विधि विधान पूजन अर्चन से भक्तों को भौतिक जीवन के समस्त सुख प्राप्त होते हैं भक्तों, तथा अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त होता है।
तो मेरे साथ सच्ची श्रद्धा से बोलिए, बोलिए मैया कुष्मांडा की। कुष्मांडा के रूप को धारे, रूप चतुर्थ ने भत उबारे, अष्टभुजा में अस्त्र है धारे, असुरों को मां पल में मारे, मापनी तो मंद हसी से दी ब्रह्मांड को ती उपजाए, पावन गाथा तुमको सुना, पावन गाथा तुमको सुना। स्कंद माता है पांच विदेवी, पंचम दिवस है पूजा होती, नवरात्र के पंचम दिवस मैया स्कंद माता का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ परम सुखदायी होती है भक्तों और मोक्ष के द्वारे खोलने वाली होती है। माँ की चार भुजाएं हैं भक्तों, माँ स्कंद को अपनी गोद में बिठाए रहती है, दो हाथों में कमल पुष्प धारण करती है और दो हाथ वर मुद्रा में स्थित है। माँ के आराधन से मोक्ष प्राप्त होता है भक्तों, और इनकी पूजा से चेतना का निर्माण होता है। वेदों के अनुसार महाकवि कालिदास ने रघुवंशम और मेघदूतम नामक ग्रंथों की रचना माँ की आराधना से ही लिखी थी। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए मैया स्कंद माता की। स्कंद माता है पांच विदेवी, पंचम दिवस है पूजा होती, मोक्ष के द्वारे खोलने वाली, सबकी झोली भरने वाली, चेतना का निर्माण जो करती, स्कंद माता ही वो कहलाए, पावन गाथा तुमको सुना, पावन गाथा तुमको सुना। रूप छटा है कात्यायनी माँ, माँ से कृपालु भक्तों कोई ना, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी माता है भक्तों। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है भक्तों। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है भक्तों। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी उपासना से, आराधन से भक्तों को बहुत आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। उस भक्त के रोग, शोक, संताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। बांझन को संतानें प्राप्त होती हैं, कोढ़िन को काया, निर्धन को माया और गूंगे को वाणी प्राप्त होती है। वेदों के अनुसार महर्षि कात्य ने अधिष्ठात्री देवी की उपासना की और उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया, इसीलिए माँ कात्य ऋषि की कन्या होकर कात्यायनी कहलाई। वेदों के अनुसार भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की उपासना की थी, इसीलिए माँ ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहलाती हैं। तो बोलिए मैया कात्यायनी की। रूप छटा है कात्यायनी माँ, माँ से कृपालु भक्तों कोई ना, कात्य ऋषि की पुत्री प्यारी, फल अमोघ ये देने वारी,
ब्रजमंडल की माँ है देवी, मोक्ष परम पद देती जाए। पावन गाथा तुमको सुना, पावन गाथा तुमको सुना। काल रात्रि सात्वी माता, काल भीमा से है घबराता। माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति का नाम है काल रात्रि, जैसा कि नाम से ही जाहिर है भक्तों, माँ का यह स्वरूप महाकाली का है। माँ ने चंडी का रूप धारण किया हुआ है, यह गर्दभ पर सवार हो हाथों में कृपाण, त्रिशूल, खड़ग और खप्पर धारण कर असुर दल का विनाश करती है। इस दिन माँ के पूजन आराधन से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है काल रात्रि की पूजा करने से ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के दरवाजे भक्तों के लिए खुल जाते हैं। भक्तों, भक्तजनों, माँ के तीन नेत्र हैं और तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से सदैव अग्नि निकलती रहती है। ऊपर को उठे हुए दाहिने हाथ वर मुद्रा में है, जिनसे माँ भक्तों को वर देती है, और जिन हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं उनसे माँ असुरों का विनाश करती है। इनके आराधन से भक्तों के मन में निडरता आती है। तो एक बार सच्चे हृदय से मेरे साथ बोलिए, बोलिए काल रात्रि मैया की। काल रात्रि सात्वी माता, काल भीमा से है घबराता। गर्दभ की करती है सवारी, रूप विकट मां धारने वारी। सब बाधाएं दूर है करती, आ माँ की जय जय बुलाए। पावन गाथा तुमको सुना, पावन गाथा तुमको सुना। महागौरी का रूप है अष्टम, रूप है माँ का भक्तों अनुपम। माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है भक्तों। दुर्गा पूजा के अष्टम दिन महागौरी माता की उपासना का विधान है। नवरात्रि में आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है भक्तों, इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का होता है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की जाती है। अष्ट वर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी वस्त्र और आभूषण श्वेत रंग के होते हैं भक्तों, इसीलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए माँ वृषरूढ़ा भी कहलाती हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में माँ ने डमरू धारण किया हुआ है और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। माँ की यह मुद्रा अत्यंत शांत है भक्तों। तो मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए महागौरी मैया की। महागौरी का रूप है अष्टम, रूप है माँ का भक्तों अनुपम। गौर वर्ण है महारानी का, गुण गाए हम महादानी का। 4 भुजा से माँ
अपनी भक्तों पे कृपा बरसाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। नवम रूप है सिद्धिदात्री, भक्तों की माँ अधिष्ठात्री, माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। भक्तों ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली होती है। नवरात्र के नवम दिन इनकी उपासना की जाती है। यह मान्यता है भक्तों कि इस दिन माँ के विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले भक्तों को समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस देवी के दाहिने हाथ में नीचे की तरफ वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा धारण किए हुए हैं। बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। माँ का वाहन सिंह होता है भक्तों, और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है भक्तों। इस तीर्थ में भक्त माँ का पूजन अर्चन करने से समस्त भौतिक सुख भोगते हैं और अंततः मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो मेरे साथ दोनों हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से बोलिए, बोलिए मैया सिद्धिदात्री की। नवम रूप है सिद्धिदात्री, भक्तों की माँ अधिष्ठात्री, रिद्धि सिद्धि देने वाली, मोड़े ना कभी किसी को खाली, शंख गदा माँ धारण करती, सिंह को वाहन है बनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। जिसने नव दुर्गा को ध्याया, मोक्ष परम पद उसने पाया। तो ये थी भक्तों माता महादुर्गा के नौ रूपों की पावन कथाएं। मुझे आशा है कि मैंने अपनी वाणी से माँ के नौ रूपों का जो वर्णन किया उससे आपको माता के नौ स्वरूपों के दर्शन हुए होंगे। फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं माँ के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब पर माँ के ये नौ रूप अपनी कृपा बरसाएं, आपके समस्त दुख शोक संतापों का नाश हो तथा इस विश्व का कल्याण हो। तो आइए इन नवरात्रों में माँ को सच्चे मन से ध्याकर, माँ की प्रार्थना पूजन आरती गाकर, माँ को ध्वजा नारियल लाल चुनर उड़ाकर, माँ को चंदन तिलक लगाकर इनका पूजन आराधन करें और अपने जीवन में सुखों का संचार करें। तो मेरे साथ सच्ची श्रद्धा से बोलिए, बोलिए नव रूपा नव दुर्गा भवानी माँ की। जिसने नव दुर्गा को ध्याया, मोक्ष परम पद उसने पाया, ध्वजा नारियल माँ को चढ़ा लो, मैया की जयकार बुला लो, श्रद्धा से नव दुर्गा को हम आओ चंदन तिलक लगाए, आओ चंदन तिलक लगाए, आओ चंदन तिलक लगाए। mm-hmm.
बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। भक्त जनों, इस कलयुग में सिर्फ माँ का दरबार एक ऐसा स्थान है जहाँ जाकर कलयुग के पाप तापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए इस भजन के माध्यम से चलते हैं शेरों वाली मैया के दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया का दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया का दरबार। दर्शन करने मैया का आता है यह संसार, माँ का दरबार निराला झोलियां भरने वाला। सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया का दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा मैया का दरबार। दर्शन करने मैया का आता है यह संसार, माँ का दरबार निराला झोलियां भरने वाला। तेरी माँ तारों से जड़वाऊं, लाल चुनरियां तेरी माँ तारों से जड़वाऊं, मंदिर आकर तेरे तुझे हाथों से पहनाऊं, तेरे द्वारे से मांबे तेरे द्वारे से मांबे भर लाऊं भंडार, का दरबार निराला झोलियां भरने वाला। जब तुमको पुकारूं दौड़ी दौड़ी तू आना, माँ जब तुमको पुकारूं दौड़ी दौड़ी तू आना, मेरी बारी मैया बिल्कुल ना देर लगाना, तेरे भरोसे पे मांगे तेरे भरोसे पे मांगे पलता मेरा परिवार, माँ का दरबार निराला झोलियां भरने वाला। थाल सजाऊं चालीसा तेरी गाऊं, आरती थाल सजाऊं चालीसा तेरी गाऊं, अक्षत चंदन का मैया मैं तुमको तिलक लगाऊं, नैया मेरी भवसागर से नैया मेरी भव
नव सागर से कर देना तू पार। माँ का दरबार निराला झोलियाँ भरने वाला, करके सिंह की मैया सवारी, करके सिंह की मैया सवारी, चली आना मां भक्त पुकारे, कलयुग मैया बहुत सताए, कलयुग मैया बहुत सताए, कलयुग मैया बहुत सताए, हम आन पड़े तेरे द्वारे, करके सिंह की मैया सवारी। ध्यानुभक्त ने तुमको पुकारा, ज्वाला बन के मां तू दौड़ी आई, ज्ञानू का घोड़े का शिष्य मैया अपने हाथों से आके लगाई, माना हम ध्यान भक्त नहीं है, फिर भी बालक है मैया तुम्हारे, करके सिंह की मैया सवारी, चले आना मां भक्त पुकारे, करके सिंह की मैया सवारी। श्रीधर ने भंडारा कराया, पर बर्तन थे उसके मां खाली, उसका विश्वास था वैष्णो पर, खड़ा दर पे बना वो सवाली, कंजक रूप में वै
वैष्णो आई, भर दिए थे मतू ने भंडारे, करके सिंह की मैया सवारी। तेरी अलक है मन में जगाई, मन मंदिर में ज्योत जलाई, तेरी अलक है मन में जगाई, मन मंदिर में ज्योत जलाई। चंदन तिलक करूं तुमको अर्पण, मेरी लाज रखो है मेरी बाह पकड़ना अम्बे, जीवन नैया है तुम्हारे सहारे, कलयुग मैया बहुत सताए, कलयुग मैया बहुत सताए, कलयुग मैया बहुत सताए, कलयुग मैया बहुत सताए। हम आन पड़े तेरे द्वारे, आपके चरणों में है मैया, ये जीवन हमारा आपके चरणों में है, मैया ये जीवन हमारा आपके चरणों में है, आपके चरणों में है माँ, आपके चरणों में है, आपके चरणों में है। तीन दुखियों का गुजारा आपके चरणों में है,
आपकी रहमत से मिलती इज्जत की दो रोटियां। हम गरीबों का गुजारा आपके चरणों में है। मैया ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। क्या मुकद्दर का भरोसा साथ दे या ना भी दे। मेरी किस्मत का सितारा आपके चरणों में है। मैया ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। भला चिंता करूं क्यों है भरोसा आपका। मेरा ये परिवार सारा आपके चरणों में है। मैया ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। जहाँ तो है भिखारी माँ के दर पे मांग ले। स्वर्ग और मुक्ति का द्वारा आपके चरणों में है। मैया ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। मैया ये जीवन हमारा आपके चरणों में है।
शेरों वाली तेरे द्वार जो आते हैं। तेरी कृपा से मैया, तेरी कृपा से मैया हर सुख वो पाते हैं। मैया शेरों वाली तेरे द्वार जो आते हैं। भाग्य विधाता माँ तेरे खेल निराले हैं, जिसे जग ने ठुकराया उसे तू ही संभाले हैं। तेरी चौखट पे मैया, तेरी चौखट पे मैया हम शीश झुकाते हैं। मैया शेरों वाली तेरे द्वार जो आते हैं। जग जननी है तू ही, जग पालक है तीनों लोकों की माँ तू ही, संचालक है तीनों लोकों की माँ तू ही संचालक है। तुमसे सब रिश्ते हैं, तुमसे सब रिश्ते हैं, तुमसे सब नाते हैं। मैया शेरों वाली तेरे द्वार जो आते हैं। करती भक्तों पे है मेहरबानी, करती भक्तों पे है मेहरबानी, माता रानी की दुनिया दीवानी, माता रानी की दुनिया दीवानी। करती भक्तों पे है मेहरबानी, करती भक्तों पे है मेहरबानी, माता रानी की दुनिया दीवानी, माता रानी की दुनिया दीवानी। बेसहारों को देती सहारा, चमकाती किस्मत का सितारा, बेसहारों को देती सहारा, चमकाती किस्मत का सितारा। बात कहते ये संत और ज्ञानी, माता रानी की दुनिया दीवानी, माता रानी की दुनिया दीवानी।
चाहे जैसा भी तूफान आए, भक्त की कश्ती मैया बचाए। चाहे जैसा भी तूफान आए, भक्त की कश्ती मैया बचाए। बनती पतवार है महारानी, माता रानी की दुनिया दीवानी। माँ के चरणों का ध्यान लगा लो, जो भी जी चाहे दाती से पालो। माँ के चरणों का ध्यान लगा लो, जो भी जी चाहे दाती से पालो। माँ के जैसा नहीं कोई दानी, माता रानी की दुनिया दीवानी। माता रानी की दुनिया दीवानी। करती भक्तों पे है मेहरबानी, माता रानी की दुनिया दीवानी। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की मैया नाम इज्जत से महंगी है। रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे माँ। बिन माँ जी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले माँ। मेरा रास्ता रोशन कर दे ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात। हो तो दीजिए जन्म जन्म का है दुनिया शरणागत को अपने गले लगाती हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराती हो। चाहे जैसे रखो महारानी चाहे जैसे रखो अंबेरानी बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का
अपरंपार, माँ की महिमा अपरंपार, जाने ये सारा संसार, माँ की महिमा अपरंपार, जाने ये सारा संसार। विनय करे जो मन से लगन से, करे जो नित नमन, करुणामयी माँ दुर्गे का उस पे ही होत नयन। जगत दुलारी जगदम्बे जिन पे दया बरसाए, सुख में हो उनका जीवन खुशियों से भर जाए। हाथ में त्रिशूल चक्र कटारी सोहे तीर तलवार, अद्भुत रूप है माँ दुर्गे का गले में अड़हुल हार। दीन दुखी पर दया दिखाती माँ दुर्गे हर बार, रोते को भी हंसाती है जाने सकल संसार। माँ की महिमा अपरंपार, जाने ये सारा संसार, माँ की महिमा अपरंपार, जाने ये सारा संसार। माँ दुर्गे का पूजन करते राजा रंक फकीर, माँ दुर्गे कृपा करे सबकी बने तकदीर। जो जन मन से माँ दुर्गे की भक्ति करे दिन रात, माँ की महिमा से होता है पल में विश्व विख्यात। नमन करो नित माँ दुर्गे को, विनय करो हर पल, आन पड़े ना विपदा कोई, कष्ट बला जाए टल। महिमा न्यारी है माँ दुर्गे की, ममतामयी है माँ, भक्त पे अपने दया दिखाती, दयामयी है माँ। माँ की महिमा अपरंपार, जाने ये सारा संसार, माँ की महिमा अपरंपार, जाने ये सारा संसार। जो जन माँ का ध्यान लगाए बनते उसके काम, बन जाते हैं भक्त दुलारे जग में हो वतनाम। माँ मंगल करने वाली है हरने वाली बला, माँ से सुंदर माँ से बढ़कर जग में कौन भला। इसीलिए तो हम भी कहते रहो न भगतो दास, माँ से बताओ माँ ही करेगी कष्ट तुम्हारे नास। माँ दुर्गे है महिमा वाले, जाने सकल संसार, आओ करे माँ दुर्गे की मन से जय जयकार। माँ की महिमा अपरंपार, जाने ये सारा संसार, माँ की महिमा अपरंपार, जाने ये सारा संसार। माँ की महिमा अपरंपार, जाने ये सारा संसार, माँ की महिमा अपरंपार, जाने ये सारा संसार। मधर लो मधर लो महाकाली अवतार, देवता शरण में आए हैं। मधर लो महाकाली अवतार, देवता शरण में आए हैं।
बाबा तुम्हारी शरण में आए हैं। मधर लो मधर लो महाकाली अवतार देवता शरण में आए हैं। सताया शुंभ निशुंभ उत्पात मचाया, चंड मुंड ने बहुत सताया, शुंभ निशुंभ उत्पात मचाया। जागो जागो हे महामाया, जागो जागो हे महामाया, तुमको मनाए हैं। मधर लो मधर लो मधर लो महाकाली अवतार देवता शरण में आए हैं। देवों की करने रखवाली जाग उठी भक्तों महाकाली, देवों की करने रखवाली जाग उठी भक्तों महाकाली। रणचंडी का रूप बना ली, रणचंडी का रूप बना ली, सब घबराए हैं। मधर लो मधर लो मधर लो महाकाली अवतार देवता शरण में आए हैं। त्रिशूल हरि का सुदर्शन, इंद्र का वज्र करे मा धारण, शिव का त्रिशूल हरि का सुदर्शन, इंद्र का वज्र करे मा धारण। रक्त बीज के रक्त को पीकर, रक्त बीज के रक्त को पीकर मार गिराए हैं। मधर लो मधर लो मधर लो महाकाली अवतार देवता शरण में आए हैं। मां शुंभ का शीश उतारी, चंड मुंड पापी को मारी, शुंभ निशुंभ का शीश उतारी, चंड मुंड पापी को मारी। शिव शंकर मारग में लेटे, शिव चंदन मारग में लेटे, शांत कराए हैं। मधर लो मधर लो मधर लो महाकाली अवतार देवता शरण में आए हैं।